दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सब्जी या फल को जो काटते हैं तो उसके अंदर आपको एक तरह से वो कीड़ा जो है रेंगते हुए चलते हुए दिखा होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर फ्रूट पूरी तरह से बंद है, फल जो है, सब्जी जो है पूरी तरह से बंद है, तो कीड़ा फिर वो आया कहाँ से उसके अंदर? तो क्या है इस सवाल का जवाब, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या वो सच में कीड़ा है। तो नहीं, वो कीड़ा नहीं है। और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो आप ऐसा समझिए कि एक जो साइकिल होती है किसी भी फ्रूट फ्लाई की या किसी भी जो आपके घर के अंदर मक्खियाँ अगर उड़ती है तो उसका एक साइकिल होता है कि पहले वो जो है जो मक्खी है वो अंडे देगी, अंडे देने के बाद में उसमें जो है लार्वा आएगा, प्यूपा बनेगा और फिर मक्खी बनेगी। तो इस तरह से एक साइकिल होता है। तो वो एक तरह से वो एक कीड़ा नहीं है बल्कि उस साइकिल का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? उस पार्ट का नाम है लार्वा। जो लार्वा वाली स्टेज है, जो कि एक तरह से हम जो हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी जो होती है उसके केस में मैगट भी बोलते हैं साइंटिफिकली, या फिर अलग अलग लार्वल स्टेज जो होती है, तो वो लार्वल स्टेज है, ना कि कोई किसी तरह का कीड़ा है। ये लार्वा को आप वैसे रिलेट कर सकते हैं जिस तरह से एक तितली बनने से पहले, बटरफ्लाई बनने से पहले जो है हम कैटरपिलर जैसे हम देखते हैं और बोलते हैं कि ये कैटरपिलर है, तो जो कैटरपिलर है वो एक लार्वल स्टेज और जो तितली है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से जो है यहाँ मक्खियों के अंदर भी जो है लार्वल स्टेज होता है, वो वहाँ पे आपको रेंगते हुए दिखता है, ना कि कीड़ा। पर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लार्वा जो है उसके अंदर पहुंचा कैसे, जबकि फ्रूट एक तरह से बिल्कुल बंद है और हमने जैसे ही काटा उसके अंदर मिला। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो भी मक्खी होती है, जैसे फ्रूट फ्लाई होती है या फिर कोई भी हाउस फ्लाई होती है, वो क्या करती है कि उसके पास में एक तरह से एक आप ऐसे समझ लीजिए बहुत ही स्मॉल नीडल होती है। उस नीडल को जो है साइंटिफिकली ओविपोजिटर बोला जाता है। और वो नीडल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप जो जब मच्छर काटता है तो मच्छर के पास में भी जो है डंक मारने के लिए एकदम उसकी स्मॉल नीडल होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा तो वो उसके पास भी ऐसी स्मॉल नीडल होती है। और जो फीमेल जो फ्लाई होती है, फीमेल जो फ्रूट फ्लाई या जो भी हाउस फ्लाई होती है, वो क्या करती है कि फ्रूट के अंदर या तो फ्रूट बनने से पहले यानी ओव्यूल पे, या फिर जो है वो जब बन रहा है उस दौरान जो है वो अपने वहाँ पे अंडे दे देती है, वो उस ओविपोजिटर के थ्रू। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे फ्रूट बनने वाला है या थोड़ा बहुत बन रहा है वहाँ पे वो इंसर्ट करेगी और वहाँ पे इंसर्ट करके अपने सारे के सारे अंडे वहाँ दे देगी, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाए जब वो एक तरह से लार्वल फॉर्म में आने लगे, और साथ के साथ में प्रोटेक्शन भी मिल जाए किसी भी तरह के प्रेडेटर से, परभक्षी से। अब ये जो मक्खी जो है वो अंदर डंक मारती, वो हमें इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो साइज जो है वो बहुत छोटा होता है और हमारी जो डिटेक्शन रेंज होती है जो आंखों की, उससे काफी ज्यादा छोटा होता है। वो कुछ इसी तरह से है जैसे कि जब मच्छर काटता है तो आपको डंक मारी हुई जगह नहीं दिखाई देती, वो तो जब फूल जाता है तब दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले नहीं दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरह से वो वहाँ पे अपने अंडे छोड़ देता है। धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका लाइफ साइकिल वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जो अंडा जो है वो धीरे धीरे लार्वल स्टेज में जाता है। अब यहाँ पे जो है तीन पॉसिबिलिटी है जब भी आप किसी फ्रूट को खरीदते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो अभी अंडे वाली स्टेज में ही है, जो कि अगेन आपको दिखेगा नहीं जब भी आप सब्जी काट रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो ये है कि वो अंडे से थोड़ा लार्वल स्टेज में आ चुका है। आप देख के कहोगे यार इसे तो फेंक देना चाहिए, हमारा फ्रूट खराब हो गया है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि आपके पास जब तक फ्रूट पहुंच रहा है, जब तक सब्जी आपके पास पहुंच रही है, वो ऑलरेडी जो लार्वा से जो है एक एडवांस फॉर्म बन चुका है, यानी कि वो मक्खी बन चुका है या फ्रूट फ्लाई बन चुका है, और वो जो है वहाँ से खड्डा करके उस जगह से, उस फ्रूट से या उस जो सब्जी है वहाँ से निकल चुका है। और इसीलिए आपने कई बार जो है देखा होगा कि किसी भी जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनमें एक तरह से अंदर से मतलब इनसाइड आउट एक खड्डा बना होता है। वो इसी वजह से कि वो जो अंडा है उसने पहले लार्वल स्टेज कंप्लीट किया और फिर फाइनली जब वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा तो वो जो लार्वा जो है उस खड्डे से निकल के और फाइनली जो है उसने एक तरह से फ्लाई का रूप ले लिया। तो ये तीन स्टेजेस में आपको मिलेगा, लेकिन जो दूसरा स्टेज है वही आपको दिखाई देगा और उसको देखते ही हम जो है एकदम चौंक के कहते हैं कि नहीं नहीं इसके अंदर कीड़ा है और हमें फेंक देना चाहिए। तो अगली बार आपको ध्यान रहे कि जब घर में ऐसा बोला जाए कीड़े निकल गए, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बेसिकली वो एक लार्वल स्टेज है, ना कि कोई कीड़ा है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है फार्मर के लेवल पे, किसान के लेवल पे अलग अलग मेजर लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप को जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में ना उगाया जाए, पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाए, या फिर जो है उसको अगर आपको जो फ्रूट अगर आपने लिया है तो उसको हॉट वाटर के अंदर बाद दिया जाए वगैरह वगैरह, ऐसे उनके मेजर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपको जो है अंदर मैगट या लार्वा जो है आपको देखने को मिल जाए, पर कोई बात नहीं, उस फ्रूट को फेंक दीजिए और कोई दूसरा फ्रूट इस्तेमाल कर लीजिए, सब्जी खा लीजिए, डजंट मैटर, इतना कोई जो है बड़ा नुकसान भी नहीं हो जाएगा। थैंक्स टू द टीम ऑफ क्यूरियस मंक चैनल जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशन बना के इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया है। आप वहां जाके और वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।